टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं भी एकदम ठीक हूँ। और तो आप लोग बताइए कैसे हैं। तो अभी ना आज मैं अपना एक नया वीडियो रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। तो आज का जो वीडियो है ना, उसमें आप लोगों के सामने मैं कोई रेसिपी या कोई रूटीन शेयर नहीं करूँगी। उसमें मैं आप लोग के साथ अपनी जो यूट्यूब जर्नी है ना, उसके बारे में आप लोगों से बात करूँगी, शेयर करूँगी मैं कि हाँ मैं YouTube पर कैसे आई, या मुझे ऐसा मतलब कब लगा कि हाँ मुझे YouTube पर आना चाहिए, कैसे मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं YouTube पर आऊँ, मैं भी वीडियो बनाऊँ, और किससे मैं इंस्पायर हुई कि वीडियो बनाने के लिए, ये सब चीज़ें आज आप लोग को बताऊँगी। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि एक वीडियो मैं बनाऊँ ऐसा जिसमें आप सबको मैं ये सब चीज़ें बताऊँ कि कैसे कैसे मैंने YouTube पर वीडियो बनाई, मतलब क्या क्या मुझे इसमें दिक्कतें आई, क्योंकि काफ़ी दिक्कतें भी आई थी मुझे स्टार्टिंग में ना, मुझे कुछ भी YouTube के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था कि कैसे चैनल बनाते हैं, कैसे वीडियो अपलोड की जाती है, कैसे थंबनेल वगैरह बनाया जाता है, कुछ भी नहीं पता था, बिल्कुल नई थी इस चीज़ के लिए मैं। तो बस यही सब चीज़ें हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो बताइएगा फ्रेंड्स, आप सबको आज का वीडियो जो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं तो कि मैं YouTube पर कैसे आई। तो जैसा कि आप लोग मुझे जानते ही हैं, मैं हर वीडियो में लगभग अपना नाम बताती हूँ, उसी भी बता देती हूँ कि मेरा नाम सोनिया तिवारी है और मैं यूपी से हूँ, मतलब मेरा जो ससुराल है यूपी में है। हालांकि मई का ससुराल दोनों यूपी में ही है, लेकिन मई के लोग सब दिल्ली में रहते हैं और मैं फैज़ाबाद अयोध्या में रहती हूँ। तो फ्रेंड्स YouTube पर मेरा आना कैसे हुआ, कब हुआ, तो ये बात है लॉकडाउन के टाइम की। जब लास्ट ईयर लॉकडाउन लगा था तो वही है ना, सब स्कूल बंद हो गए, सबके ऑफिस बंद हो गए, सब लोग घरों में एक तरीके से पैक हो गए थे, बंद हो गए थे, किसी को कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, तो वही था। तो बस घर के कामकाज से एक दिन बस ऐसे ही बैठी हुई थी, तो बस दिमाग में आया कि लो यूट्यूब देखते हैं क्या है, कैसे कुछ करें, नहीं तो मतलब बोरियत सी महसूस हो रही थी, दिन नहीं पड़ता था उसमें, कितना काम करोगे, काम करने के बाद थोड़ा बहुत समय तो मिल ही जाता है ना, तो वही है। तो बस मैंने अपना यूट्यूब खोला, और जब मैंने अपना यूट्यूब खोला ना, तो मेरे सामने एक वीडियो आई, तो उस वीडियो को मैंने देखा तो पता नहीं क्यों एक दिल से, अंदर से एक दिल से आवाज़ आई कि हाँ मुझे ये वीडियो देखना चाहिए। हालांकि पहले मैं ब्लॉग वगैरह नहीं देखती थी, मुझे पता ही नहीं था कि ब्लॉग वगैरह क्या है कैसे है, तो बस यूँ ही मन बोला कि नहीं देखो, बस दिल की बात सुन ली। और जब उस वीडियो को मैंने ओपन किया और फिर जब मैंने उस वीडियो को देखा, एक वीडियो देखा अच्छा लगा, फिर उसका उसी से रिलेटेड उनके दूसरे वीडियो देखे, मुझे वो और भी अच्छे लगे, तो मतलब फिर ऐसे करते करते ना मैं उनके वीडियोज़ देखने लगी। इससे ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो बस देखते देखते का मेरे दिल में कब ऐसी इच्छा जाग गई कि हाँ मुझे भी YouTube बनाना है, YouTube पर आना है, YouTube के लिए वीडियोस बनानी है, ये मुझे भी नहीं पता चला। बस उन्हीं वीडियो को देखते देखते ही मेरे मन के अंदर ये इच्छा उठी कि मुझे भी YouTube पर आना है। बस इस तरीके से मैं YouTube पर आई। और लेकिन YouTube पर आना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसके बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी कि चैनल कैसे बनाया जाता है, इसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कैसे की जाती है, एडिट कैसे करते हैं, मतलब कुछ नहीं पता था। लेकिन जब कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह, तो वही बात है। अगर मन में मेरे चाह थी कि नहीं मुझे वीडियो बनाना है, तो बस मैंने यूट्यूब पर मतलब जो वीडियो सॉरी चैनल बनाने के लिए मैंने लोगों से मतलब बातें करने लगी कैसे चैनल बनाया जाता, कई लोगों से मैंने बातें की, कई लोगों से पूछा भी मैंने, लेकिन वही है ना, पता नहीं कि इनको नहीं पता था या फिर जानबूझ के किसी ने नहीं बताया क्या हुआ। लेकिन इस जगह मेरे घर के बच्चे हैं तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो वो हैं मेरे सिस्टर के बच्चे हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि नहीं मौसी आप बनाओ, क्योंकि कई बार ऐसा था ना जब मुझे नॉलेज नहीं थी तो मैं हार जाती थी, बैठ जाती थी कि यार मैं नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं पता मुझे, मैं नहीं बनी हुई इस चीज़ों के लिए। लेकिन जब वो बच्चे उस बच्चों से बात होती थी, वो
वहाँ से क्या हुआ आपके यूट्यूब का, आपने यूट्यूब पे वीडियो डाली कि नहीं डाली, चैनल बनाया कि नहीं बनाया? तो मैं कहती थी नहीं बेटा अभी नहीं बनाया, तो वो लोग कहते थे नहीं मौसी आप बनाओ बनाओ, मतलब उन्होंने कभी मुझे डीमोटिवेट नहीं किया, हर कदम कदम पर उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, उत्साह दिया कि नहीं आप बना सकते हो मौसी बनाओ आप। और फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया सर्च करना, उन्होंने कहा आप यूट्यूब पे सर्च करो मौसी शायद उसमें कुछ पता चले। तो मैंने यूट्यूब है गूगल है उस पर सर्च करना शुरू किया कि हाँ चैनल कैसे बनाते हैं। फिर धीरे धीरे कुछ मुझे यूट्यूब से कुछ गूगल से मुझे ये चीज़ें पता चली कि हाँ चैनल कैसे बनाते हैं। फिर मैंने स्टार्ट किया अपना चैनल बनाना, चैनल बनाया लेकिन उसकी सेटिंग जो थी मेरे से नहीं हो रही थी। फिर उसके लिए मैंने फिर अपने बच्चों की हेल्प ली किसी और से, फिर नहीं पूछा मैंने। फिर मेरी दीदी का बेटा है लक्की, उसने मेरी काफ़ी हेल्प करी है इन सब चीज़ों में, सेटिंग वगैरह को लेकर वही मेरी हेल्प करता था, और उसी की हेल्प से ही मैंने पूरा अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है। और आज भी मुझे जहाँ दिक्कत आती है ना तो मैं उसी से हेल्प लेती हूँ। और उसके अलावा मेरी दीदी की दोनों बेटियाँ हैं, बड़ी सिस्टर की बेटी है नेहा और छोटी सिस्टर की बेटी है दिव्या, इन दोनों ने तो भाई मुझे हर कदम कदम पर इन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाया है, मोटिवेट किया है। तो इन दोनों का क्यों तीनों का ही हाथ काफ़ी है भाई मेरे यूट्यूब में आने का। तो इस तरीके से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई, डरते डरते मुझे काफ़ी डर लग रहा था यार बहुत से लोग देखेंगे अगर मैं यूट्यूब में मतलब वीडियो डालूंगी तो पता नहीं कैसा रिएक्शन आएगा। हालांकि जबकि एक वीडियो का वायरल होना बहुत बड़ी बात है, नहीं होती इतनी जल्दी वायरल कोई भी वीडियो, लेकिन उस समय मुझे ऐसे लग रहा था कि बस मैं वीडियो डालूंगी मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी, बहुत लोग देखेंगे तो पता नहीं कोई कुछ अच्छे करेंगे कमेंट, कुछ बेकार कमेंट करेंगे तो क्या क्या रिएक्ट होगा। मैं यही सोच सकती हूँ, बहुत घबरा रही थी लेकिन फिर भी मैंने एक नॉर्मल सा वीडियो बनाया, एडिट किया सब कुछ, ये समझ लीजिए चैनल क्रिएट करने से लेकर वीडियो एडिटिंग वीडियो अपलोडिंग सब कुछ मैंने यूट्यूब से ही सर्च कर करके सीखा है। और उसमें जैसा जैसा मुझे बताया गया मैंने वैसा वैसा ही किया। एटलीस्ट जो पहला वीडियो मैंने डाला था विदाउट थंबनेल ही डाला था, मुझे नहीं पता था कि थंबनेल कैसे बनाया जाता है, तो पहले दो वीडियो मैंने विदाउट थंबनेल डाले थे और उसमें मेरे फैमिली मेम्बर्स जो थे जितने उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया और स्टार्टिंग मेरे 2, 4, 6, 9, 10 ऐसे रहे सब्सक्राइबर, फिर धीरे धीरे एक एक दो दो बढ़ने लगे। तो इस तरीके से मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएट हुआ और वीडियो भी अपलोड हुआ, सब्सक्राइबर भी मेरे बने बढ़े धीरे धीरे, फिर सबने मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाने में मेरी हेल्प करी है, मेरे फैमिली मेम्बर्स में मतलब मेरी दीदी थी ना वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि हाँ जब मैंने पहला वीडियो डाला ना तो बहुत खुश हुई वो लोग भी, फिर उन लोगों ने देखा और इसके बाद फिर मैं डालने लगी यूट्यूब पर वीडियो और तब से अभी तक फिर भी मैं डालती ही आ रही हूँ। हालांकि अभी मेरा वीडियो कोई वायरल नहीं हुआ है जिस हिसाब से मैं डर रही थी, बट ये है कि लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं हारी है और बस इसी तरीके से मैं यूट्यूब पर आई हूँ फ्रेंड्स। और अब रही बात कि मैं किससे इंस्पायर हुई थी यूट्यूब पर आने के लिए, अब बताती हूँ मैं आपको ये। तो फ्रेंड्स मैं यूट्यूब पर आई थी हमारी एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, उनकी वीडियोस जो है ना काफ़ी अच्छी होती है और क्योंकि जब उनकी वीडियोस मैंने देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और सबसे अच्छी बात ये लगी ना, मैंने उनकी जितनी भी वीडियोस देखी उसमें उन्होंने सब कुछ नेचुरल दिखाया, कुछ भी ऐसा मतलब नहीं किया कि दिखावा उन्होंने नहीं दिखाया, जो जैसा रहता था वैसा ही वो दिखाती थी, वो जैसी रहती थी वो खुद को वैसे ही रिप्रेजेंट करती थी, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि वीडियो पे आने के लिए वो अलग से तैयार होना या अलग से कोई सेटअप बनाना, नहीं वो जैसी रहती थी वैसा ही वो दिखाती थी। तो ये सब चीज़ें देख के मैं काफ़ी अट्रैक्ट हुई उनकी तरफ और उन्हीं को देख कर मैं मेरे मन में ये इच्छा जागी थी कि नहीं मैं भी इन्हीं की तरह वीडियोज़ बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स उनका नाम अब मैं बता देती हूँ आप लोग को क्योंकि काफ़ी सस्पेंस हो गया है ना, तो ज़्यादा सस्पेंस रखना अच्छी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स वो यूट्यूबर हैं, उनका नाम है आप लोग भी जानते होंगे, उनका नाम है प्रिया दीप,
प्रिया दीप करके उनका नाम है, उन्हीं की वीडियोस से मैं इंस्पायर होकर मैंने यूट्यूब पर आने की बात सोची, क्योंकि उनकी वीडियोस मुझे सही में बहुत पसंद है और उनकी वीडियोस मैं आज भी देखती हूँ और काफ़ी कुछ उनकी वीडियोस से सीखने को भी मिलता है। तो फ्रेंड्स, मेरी जो इंस्पिरेशन है वो प्रिया दीप जी है, उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने ये वीडियोस बनाना शुरू किया और यूट्यूब पर मैं आई हूँ। तो ये थी मेरी यूट्यूब पर आने तक की छोटी सी जर्नी। तो फ्रेंड्स, बताइएगा आप सब लोग कि आज की जो वीडियोस है और जो मेरा यूट्यूब पर आने तक का सफ़र है, आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं ना, जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं ये देखती हूँ ना कि मेरी वीडियोस देखने वाले तो बहुत लोग रहते हैं, बट ऐसा हो जाता है कि उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है या फिर सब्सक्राइब, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करें। वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी किया करें। तो और हाँ, जो क्या नाम बेल आइकन का जो बटन होता है ना, तो उसको भी दबाना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको मेरा आने वाला जो नया वीडियो है ना, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने जैसे और सभी यूट्यूबर्स को अपना प्यार सपोर्ट दिया है, उसी तरीके से आप लोग मुझे भी अपना प्यार और सपोर्ट देंगे, मुझे भी ऐसा चांस देंगे कि मैं भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊँ फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग मुझे अपना सपोर्ट दीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले नए ब्लॉग में। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।